आज का पूरा दिन देखो यहाँ पे लगता है बर्बाद हो चुका है। अभी अभी तक मैं छत में चढ़ा था, और वेदर चेक करो आप एक बार भाई, इतने काले बादल हैं, बारिश हो रही है पता नहीं कितनी देर से। और कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, बादल थे अच्छे खासे लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी बारिश का सीज़न दोबारा से लौट के आ जाएगा। और ये देखो आप, कुछ पेपर की पतंगे लेकर आए थे, ये तो सारी भीग जाएंगी, लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगर बारिश नहीं रुकती है ना तो हम ये पन्नी की पतंग उड़ा सकते हैं ऐसे वेदर में भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 15 अगस्त के लिए काइट की शॉपिंग कर रहे हैं तो भाई पन्नी की पतंग आप ज़रूर लेकर आना, क्योंकि अगर 15 अगस्त में बारिश होती है ना तो आप ये पन्नी की पतंग उड़ा सकते हो। हम भी अभी उड़ाएंगे अगर थोड़ी देर के लिए बारिश नहीं रुकेगी, वैसे हमें उम्मीद लग रही कि एक आध घंटे के बाद रुक जाएगी, अगर नहीं रुकेगी तो हम पन्नी की पतंग उड़ाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे काइट फाइटिंग। नहीं, काइट फाइटिंग तो नहीं हो पाएगी, काइट फ्लाइंग ही कर लेंगे, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। जब जब बारिश होती है ना हवा बहुत अच्छी होती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी तो अच्छी खासी तेज़ बारिश है। अगर रुकती है बारिश तो आपको उड़ा के दिखाते हैं पतंग। बाहर हो रही है बारिश, तो हमने सोचा कुछ एक दो पेंडिंग ऑर्डर थे ये हम पैक कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो एक चरखी पैक होगी, उसमें अभी कार्डबोर्ड हमें लपेटना रह गया, बाकी दूसरी चरखी ये भी हम पैक कर रहे हैं। ये देखो आप, क्वालिटी चेक करो एक बार, आप साइनिंग देख रहे हो आप, ये जो साइनिंग होती है ना, ये डायमंड डस्ट की साइनिंग है भाई। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो एक नंबर का मटेरियल है। इस मारे आपको मांझे का प्राइस भाई हाई तो है, मैं नहीं कह रहा हूँ मांझा सस्ता, भाई हाई प्राइस का मांझा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहा है, इसीलिए भाई डिमांड है मार्केट में, हम भी यूज कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, देखो कैसे साइनिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा ही पेंडिंग ऑर्डर थी एक दो, ये भी हम अभी पैक कर देंगे, जब तक बारिश हो रही है बाहर हम इन पैक कर देंगे। बाकी अगर आपको भी चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाओ, मुझे मैसेज करो, मांझा आप तक पहुँच जाएगा। चलो भाई, सारा काम हमने निपटा लिया, जितने ऑर्डर थे, 3-4 ऑर्डर थे वो हमने पैक कर दिए, और लगभग 1.5 घंटे के बाद अब ये बारिश रुकी है। मौसम अभी भी देखो आप, चारों तरफ बादल ही आपको देखेंगे, थोड़ी बहुत काइट फाइटिंग हो रही है, लेकिन सबसे कर रही दिक्कत बताऊँ आज क्या है, जो हमारी छत है ना उसमें पूरा पानी भरा है। तो एक बार जो सद्दी मांझा हमारे हाथ से छूट गया वो समझो ख़राब हो गया भाई, वो लौट के नहीं आने वाला। और मुझे लगता है कि आज हम पतंग खींच भी नहीं पाएंगे, बारिश हो रही है, सद्दी भीगेगी, और भीगी भी सर्दी आपको पता है हाथ में फिसलती है, वो चिपकती है हाथ में। अगर आपने कभी बारिश में पतंगबाजी करी होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी देखते हैं, अगर काट पाते हैं पतंग दिखा देंगे आपको। हवा तो अच्छी चल रही है, थोड़ी सी चेंज भी हो गई, आगे पतंगें भी उड़ रही हैं, तो अपनी पतंग अभी वहीं पहुँचाते और फिर आपको लड़ा के दिखाते। बहुत ज़्यादा वेट करा भाई हमने पतंग उड़ाने के लिए, पतंगें तो काटनी पड़ेंगी हमें आज। अब यहाँ पे देखो आज का पहला पेज आ गया, सामने मेरी पतंग है पटेदार वाली, रेड सर्किल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे कहाँ पे भाई हमारा अपोनेंट, वो देखो भाग गया उधर को, दो दो बंदे, एक नीचे से आ रहा है एक ऊपर से आ रहा है, वो गया भागा, और पतंग मुझसे खींच नहीं रही है बिल्कुल, मैं पतंग खींच रहा हूँ ना, हाथ में पूरी सर्दी फंस जा रही है यार, डोर छोड़ी ले गया बचा के। कोई नहीं, जो ऊपर वाली पतंग है मुझसे लड़ाते, आजा भाई, कौन सी ट्रिक लगाऊंगा मैं, लो लग गई ट्रिक भाई, ट्रिक ही लग गई। पतंग मेरी छोटी थी, मैंने नोटिस नहीं करा इतना ज़्यादा कि मेरी पतंग छोटी है, और जैसे मैंने सीधी खींची ना, मेरे कन्ने ही वहाँ पे उस बंदे ने काट दिए, मतलब कन्ने भी नहीं काटे, वो थोड़ी सी पतंग फट गई आगे से, दोबारा चढ़ाने आ रहा है वो, नहीं आई। खैर ये तो पतंग भाई मुझे पूरी उतारनी पड़ेगी, पहले इस पतंग को उतार लेता हूँ, दोबारा सही करूँगा, दोबारा से उड़ा के आप लोग को दिखाता हूँ। फिर अभी वो बंदा आ रहा है, पतंग कट के आ रही, देखो मेरे सर के ऊपर ही आ रही है, ये बंदा लपेट लेगा, लेकिन एक और आए, देखो दो दो आ गए लपेटने वाले, ये ले गया इसकी डोर, अगर मुझे दिख जाएगी ना तो दोनों को मैं खींच लूँगा एक साथ, लेकिन डोर ले गया वो भाई, तीन तीन, देखो एक पतंग आपने देखी, पतंग एक कट के आई थी, लेकिन जो लपेटने वाले थे ना तीन तीन थे, इसी चक्कर में मैं भाई लपेटता ही नहीं हूँ पतंग, मुझे पता है टाइम वेस्ट है, मैं पतंग लपेटने जाऊँगा कोई ना कोई बंदा आके उसे ले जाएगा खींच के, इतना कौन टाइम वेस्ट करे भाई, खरीद के लेकर आओ, उड़ाओ, कटवाओ, ख़त्म करो। अभी भी देखो ऊपर और ही पतंगें उड़ रही हैं, मैंने अपनी पतंग सही कर ली, उड़ाता हूँ। तो फाइनली मैंने वाली जो पतंग थी वो तो भाई सही हो नहीं पाई, यहाँ पे हमने अपनी एक और पतंग पार करी है, तो रेड सर्किल मेरी पतंग थी, सामने आपको दिख जाएगी, और ब्लू वाला हमारा अपोनेंट है, ये बंदा राइट हैंड साइड से,
एक तो हवा भी ऐसी हो गई ना कि सामने पेड़ खड़ा है यार, मैं बीच में फंस गया हूँ। इधर को जा रहा हूँ तो ये टावर आ जा रहा है, इधर को जा रहा हूँ तो ये पेड़ है। अब बस बीच में जो गैप है हमें इसी से पेड़ लड़ाना है। तो चलो ऊपर से मैं लड़ाता हूँ, नीचे से हमारा आएगा अपोनेंट। बारिश के मौसम का पहला पेस देखते हैं कौन काटेगा। भाई मैं काटूंगा, अपोनेंट काटेगा। बहुत तेजी में आ रहा और ले गया अंदर की खींच के ले गया। मैं अंदर का रुख दिखा रहा था, मौका ही नहीं दिया उसने। पहला पेच कट गया हमारा, पहली पतंग पार करी वो फट गई, दूसरी पतंग पार करी वो हमारे अपोनेंट ने काट दी। तो अब है भाई ये तीसरी पतंग, एक और पेच चल रहा रेड साइड से मेरी पतंग भाई, और ब्लू वाला हमारा अपोनेंट है। ये बंदा सेम बंदा राइट हैंड साइड से, फिर से बुलाते हैं इसे नीचे से। आया कन्ने पकड़े मैंने, बचा लिया उसने। वैसे देखो मैं कन्ने अन्य पकड़ के लड़ाता नहीं हूँ, मैं पूरा मौका देता हूँ, लेकिन आज जो सिचुएशन है ना खेच पड़ नहीं रही आपको भी पता है, तो मैं सोच रहा हूँ पेच फंसा के लड़ा लूँ। फिर नीचे सारा बहुत तेजी है, देखो फिर ले गया बचा के। उस बंदे को भी पता है कि मैं कन्ने पकड़ लूँगा उसके। कोई नहीं, बिन हवा में जाके काट देंगे अगर काटने वाले होंगे, या फिर हमारी पतंग कट जाएगी। फिर बचा लिया भाई, बार बार बचा ले रहा हूँ बंदा। कोई नहीं, फिर गया, फिर रखी पतंग, चक्कर पे डाली, चक्कर पे डाली, उनने पट मारा, कटी भाई। देखो अब वहाँ पे चक्कर पे पेज डाल दिया था मैंने और डोर भी मिल गई थी, लेकिन उस बंदे ने वहाँ पे ना पट मारने की गलती कर दी। बस जब भी डोर मिल जाए आपको पतंग खींची नहीं है, बस इसी चक्कर में हमने ये वाला पेच काट दिया आराम से। यहाँ पे देखो एक और पेच चल रहा, सामने मेरी पतंग है और अपोनेंट एकदम मेरे सर के पीछे से उड़ा रहा है, तो ये बहुत आराम से मैं पेच फंसा सकता हूँ। ये वाला, ये गया पेच फंसा, बस देने चक्कर निकल गया शायद, पेच निकला, दोबारा फंसाया, कुंडा डाल दिया। अब देखो बस चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, भाई फिर निकल गया यार। अब पड़ा अच्छा वाला, चक्कर मेरे गलत हैं बाहर के अंदर के, अरे यार चक्कर ही गलत हो गए थे, मुझे अंदर के चक्कर करने थे, लेकिन उससे पहले ही मेरी पतंग कट गई। देख रहा हूँ चक्कर कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, बाहर के चक्कर हुए नहीं पतंग तुरंत कट जाएगी आपकी, इसलिए चक्कर बहुत मेन है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, हमने बारिश में भी देखो काइट फाइटिंग कर ली, हालांकि पतंग हम ज़्यादा काट नहीं पाए, एक आधी पतंग हमने काटी है, लेकिन कोई नहीं, शाम को जो वीडियो आएगी उसमें काफ़ी पतंगें काटेंगे, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।